हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बैन पर सपा सांसद सफीक उर रहमान वर्ग की तीखी प्रतिक्रिया आ रही सामने। हलाल और हराम मुस्लिमों का मामला, इनका कोई मतलब नहीं। हलाल सर्टिफाइड जारी रहना चाहिए, ये इस्लाम में जरूरी। ये नई नई चीजें कुरेद कर ला रहे हैं सामने, इनको आगामी चुनाव दिख रहा है और कुछ नहीं। देश के हालात खराब कर रहे हैं ये लोग और कुछ नहीं। हलाल सर्टिफाइड बैन हम नहीं मानते, सांसद। ये हलाल या हराम का जहाँ तक ताल्लुक है, ये मुसलमानों में है। ये इस्लाम की पॉलिसी में है, इस्लाम के उसूलों में है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हराम है, जो कि मुसलमान उसको नहीं खा सकता, नहीं इस्तेमाल कर सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उन जो मान लीजिए जो अल्लाह के नाम पर जो चीज़ ज़बह की जाएगी या खून होगा वो हलाल है। लेकिन जो चीज़ें अल्लाह ने जिनका हुक्म ये दिया कि इनको इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, तो वो हराम है हमारे लिए। तो ये हलाल हराम की जमीयत उलमा वालों ने, उन्होंने अगर कोई सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो जायज़ है उनका, जी हाँ, उस सर्टिफिकेट पर ही अमल होना चाहिए उनके कि ये हलाल है ये हराम है। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आज उन पर किसी ने अपनी मतलब के लिए, हिंदुस्तान के हालात बिगाड़ने के लिए, जो लोग मुसलमानों को अरेस्ट करने के लिए इस किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं, ये हम इसको नहीं मानते हैं।